रोटरी क्लब भिलाई ग्रेटर द्वारा संचालित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेहरू नगर भिलाई में 19 जनवरी को रोटरी क्लब रायपुर रॉयल और रोटरी क्लब जामनगर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम हाथ लगाने का शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के बारे में पूरब टाइम्स को शरद शेठ ने इस तरह से जानकारी दी। एलन फोर जो यहाँ पर शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत और अब तक की यात्रा के बारे में आप बताइए। जी जनाब, हम लोग रोटरी क्लब ऑफ जामनगर से आ रहे हैं। माई सेल्फ रोटेरियन शरद सेठ, देन रोटेरियन भरत अमलानी, डॉक्टर संजय उमरानिया एंड कपिल नागौरी एंड मिसेस नीपा अमलानी। एलन फोर प्रोस्थेटिक हैंड कैंप जो है वो सबसे पहले गुजरात स्टेट में हमने 2015 में किया था। उस वक्त पहले ही कैंप में 350 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसने हाथ कट गए हो, और 350 में से 280 लोगों को हाथ प्रॉपरली फिट कर दिए और उसका ट्रेनिंग भी देना है, वो ट्रेनिंग भी दिया था। तो पहले कैंप में जो लोगों का रिएक्शन देखा तो हमको ये लगा कि नहीं नहीं ये तो सच्ची में ऐसी एक डिवाइस है जो कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसको सब जगह पे पहुंचाना चाहिए। तो हमने एक पूरी टीम बनाई है और रोटरी क्लब जामनगर के सब मेंबर के सपोर्ट से आज तक हम लोग पूरे गुजरात में 15 से भी ज़्यादा कैंप कर चुके हैं। जामनगर, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, लाइक दैट। और इसी तरह से केरला में भी 3 कैंप किए हुए हैं, और इन द मंथ ऑफ नवंबर हमने मेरठ में भी कैंप किया था, और अभी अब भिलाई आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। आज तक कितने आप लोगों ने हैंड्स लगाने में मदद की? या अगर पूरे भारत की बात करूँ तो जब से ये एलन फोर प्रोस्थेटिक हैंड का कैंप इंडिया में शुरू हुआ है तब से 17,000 से ज़्यादा लोगों को एलन फोर प्रोस्थेटिक हैंड लग चुके हैं, और जामनगर रोटरी क्लब के माध्यम से 3,000 से ज़्यादा लोगों को हमने अलग अलग जगह पर जाके प्रोस्थेटिक हैंड फिट किए हुए हैं। आपके कैसे अनुभव रहे, और आपने जिनके हाथ लगवाए उन लोगों को आपने क्या वापस जा करके देखा, उनके साथ क्या अनुभव उन्होंने शेयर किया? या कैसा अनुभव होता है तो वो तो आज जब यहाँ पे फिटमेंट होगा उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसको देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। जो लोग को हाथ कटा हुआ है किसी वजह से या तो जन्म से नहीं है, उसको जब एक हाथ मिल जाता है तो आसानी से उसमें चम्मच पकड़ के खाना खा सकते हैं, पेन पकड़ के लिख सकते हैं, लाइकवाइज पेंट ब्रश पकड़ के पेंटिंग कर सकते हैं, साइकिल का हैंडल पकड़ के साइकिल चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी है वो खुद कर सकेगा। उसकी एक जो उसकी खुशी होती है उसके चेहरे पे वो देखने लायक होती है। जैसे कोई लेडीज़ है तो उसका एक हाथ कट गया है तो वो रोटी नहीं पका सकती, रोटी बना नहीं सकती है, जबकि ये दूसरा प्रोस्थेटिक हैंड लगने के बाद में वो उसमें आसानी से रोटी को बेल सकती है। तो इसकी वजह से वो सेल्फ सफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, और यही वजह है कि ये लोग जिसको भी लगाते हैं वो उसके वजह से बहुत खुश होते हैं, और यही हमारे लिए भी एक मोटिवेशनल या तो जो हमको आगे जाने का वो स्पिरिट देती है कि हमको ये करना ही चाहिए, कंटिन्यूसली करना चाहिए। आप लोगों ने पहला कैंप कब लगाया, उसमें आपको क्या अनुभव हुआ? हम लोगों ने पहला कैंप गुजरात में पूरे इंटर डिस्ट्रिक्ट था, मतलब गुजरात आर डिस्ट्रिक्ट 3060 और 3050 जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के कैंप साथ में एक ये कैंप किया था, और 25/10/2015 को पहला कैंप किया, उसके बाद में फिर से 25/11 को किया, और दोनों इलाके करीबन 350 के ऊपर बेनिफिशियरीज को हमने हाथ लगाए थे। और उस वक्त के जो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी या खुशी के आंसू देखे चेहरे पे, तो उसकी वजह से हमको लगा कि ये कैंप हमको बार बार और सब जगह पे जाके जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जिसने हाथ कटा हुआ है उसको मिलना चाहिए, मदद करना चाहिए, और इसलिए हमने कंटिन्यू किया है। आगे आप लोगों को आपके कहाँ कैंप लग रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं ताकि लोगों को पता लगे और जिन लोगों ने नहीं कराया वो भी आगे करवा पाएं। या अभी ये भिलाई के कैंप के बाद में 2 फरवरी को मेरठ में कैंप है। एक्चुअली मेरठ में 10 नवंबर को कैंप रखा था, लेकिन ये अयोध्या वर्डिट की वजह से काफ़ी लोग कम आए और सिर्फ 67 लोगों को हाथ लगाया था। अभी ये 2 फरवरी का जो कैंप है उसमें 300 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को हम ये प्रोस्थेटिक लगाएंगे। उसके बाद में 23 फरवरी को पाइनूर इन केरला कैंप है जो कि दूसरा कैंप रहेगा। इसके पहले हम 2 महीने पहले कर चुके हैं, उसमें 180 से ज़्यादा को बेनिफिट हुआ था। अभी ये जो कैंप है उसमें 60 से ज़्यादा बेनिफिशियरी आने वाले हैं। कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ से आए लाभार्थी थे जिनके हाथ किसी कारण से नहीं थे। कुछ लाभार्थियों ने कृत्रिम हाथ लगाने से पहले व बाद में इस प्रकार से अपनी भावनाएं। गणेश मोदलियार, डोंगरा से आया हूँ, मुझे रायपुर से पता चला, आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। आपकी उम्र क्या है? 44। अच्छा ठीक है, आप आपका हाथ दिखाइएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम, और आपका ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बताइएगा हाथ लगने के बाद आपको कैसा लगा। ये बताओ आप, ये एलन फोर जो हाथ लगा है इससे आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पूरा वर्किंग सही हो रहा है। अच्छा आपको क्या क्या चीज़ करना सिखाए हैं इसमें? लिखना है, पेन दिया, स्पून दिए हैं और पेन दिए हैं, पूरी यूज जितना जनरल यूज हो सब यूज़ करने के लिए बताएं। तो आपकी क्या उम्र हो गई है? 44। 44 हो गई आपकी उम्र, और अब आपका ये हाथ लगा है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
आपको क्या लगता है इससे आप सब काम कर लेंगे? हाँ, पूरा काम कर सकते हैं। तो एक सामान्य आदमी की तरह आपको रहने में मजा आ रहा है जी, और जिन लोगों ने कराया उनको आपको धन्यवाद वगैरह देंगे? देंगे, देखिए देखिए आगे धन्यवाद देखिए आगे देकर आ गए। तो आपसे ये कुछ शुल्क लिया या निःशुल्क कराया? निःशुल्क था। और पूरी ट्रेनिंग होगी, मेंटेनेंस? पूरा मेंटेनेंस ट्रेनिंग होगी। क्या उम्र हो गई इससे? तो 58 58 हो गए। ये कब पता लगे? वारफा फिर मतलब पता चली फिर राजकुमार बताई तब। तो कहाँ रहता? परसा में रहता मैं, परसा में रहता। तो अब तो कहा लगा थे आज आ करके यहाँ पर? हाथ बनवाया आया हूँ, शिविर लगे है। तो नवा हाथ लगे है हाँ। तो और ट्रेनिंग भी दे है हाँ। तो ते कर पावे हो, तो हाँ। का लगते? अच्छा लगा था, मैं कर पा धीरे धीरे। का कराई से तुला? अभी चम्मच के बताई फे, खीरा काटे के बताई फे, खाना खवाए के बताई फे। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब भिलाई ग्रेटर के सदस्यों ने अध्यक्ष मधुर अग्रवाल व प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज जैन के नेतृत्व में भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई व लगभग 125 कृत्रिम हाथ सफलतापूर्वक लगाने में मदद की। ऐसे कार्यक्रम मानवता के उत्थान के स्वरूप होते हैं। लाभार्थियों ने इसके लिए धन्यवाद व दिल से आशीर्वाद दिए।